हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर, मैं आज एक मेकअप लुक लेके आई हूँ। तो पहले मैं अच्छी तरह से वेट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ, और क्लीन करने के बाद टोनर तो लगाना ही लगाना है, मास्ट है। और इसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि विंटर के सीज़न है। मॉइस्चराइज़र हर टाइम ज़रूरी है, बट यहाँ पे मैं आज क्रीम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड है। तो अभी मैं प्राइमर को अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्किन बहुत ही अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, करेक्ट कुछ नहीं करना है, इसीलिए फाउंडेशन को अप्लाई किया मैं। यहाँ पे फाउंडेशन उसका जो स्किन टोन है उससे एक सेट डार्क लिया, क्योंकि मुझे कॉन्सील करना है लाइट कलर से, इसीलिए मैं ऐसे किया। अच्छी तरह से पहले स्किन पे अप्लाई किया, और हम जब काम करते हैं ना, बहुत सारे बातें करते हैं क्लाइंट से, और ये क्लाइंट जो है ना, ये मेरे पास ये थर्ड टाइम आई है, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं मुझे, और मेरे से ही हर टाइम मेकअप करते हैं, इसीलिए तो बहुत क्यूट सा है। और देखिए, अभी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह जब आप फाउंडेशन अप्लाई करो ना, तो आपको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको पहले अच्छी तरह से करना है एप्लीकेशन फाउंडेशन को। और यहाँ पे मैं देखिए लाइट कलर से मैं यहाँ पे कंसील कर रही हूँ, कंटूर कर रही हूँ। जो नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप लोग मेरा मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी, आपके पास नोटिफिकेशन जानकारी कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बेल बटन को क्लिक करके रखना है। और अभी जो कॉन्सील मैंने लगाया, उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ कॉन्सीलर को, और देखिए कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। मतलब मैं हम लोग मौज मस्ती करते करते काम करती हूँ मैं, तो इसीलिए वो हंस रही थी, मैं भी हंस रही थी। बट मेरा क्लिपिंग नहीं ली, मेरा जो कैमरामैन था, मतलब मेरे स्टाफ है वो। तो अभी मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ, मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ। और देखिए, ये जो पार्टी मेकअप, मतलब वेडिंग गेस्ट मेकअप जो होता है ना, उससे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। तो हाँ, करना है जब आप कोई वेस्टर्न ड्रेस पहने हो, तो जो कैरी कर सकते हैं, मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप, मतलब हेवी मेकअप जो कैरी कर सकती है, तो उसको आप दे सकते हो। बट वो नॉर्मल है ना, वो ऐसा मेकअप नहीं कैरी कर पाती, तो इसीलिए मैंने ऐसे मेकअप किया। तो लास्ट में आपको फाइनल लुक देख के बताना है कि कैसा लगा, क्या कितना अच्छा लगा, क्या है, सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। तो और एक रिक्वेस्ट आया कि न्यूड मेकअप दिखाने के लिए, तो वो भी जल्दी आएगा, आप लोग इंतज़ार कीजिए थोड़ा। जो जो रिक्वेस्ट वीडियो होगा, मतलब जो 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 भी रिक्वेस्ट करेगा, मैं उसको फुलफिल करूँगी। रिक्वेस्ट का जो वीडियो हो मैं करूँगी, बट थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं अभी जो प्रोडक्ट मैंने लगाया, सबको मैं लॉक कर रही हूँ अच्छी तरह से, लूज़ पाउडर से मैं लॉक कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट मैं आज प्रोडक्ट का नाम मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो पे बताती हूँ, तो इस बार जो मैंने दे नहीं दिखाया, क्योंकि जल्दी में था, उसको शादी में जाना था, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं मेरा जो दो एक दिन
आगे मैं जो वीडियो अपलोड किया था मेरा सेल्फ मेकअप वाला जो वीडियो, वहाँ पे जो मैं आई मेकअप किया था ना, तो वो ही आई मेकअप आज इनके ऊपर किया और सिर्फ कलर चेंज किया, क्योंकि उनका जो ड्रेस का कलर है वो पिंक कलर है, तो इसीलिए उसको मैं पिंक कलर दी और मैंने शायद वायलेट कलर मैंने पहनी थी ऐसा कुछ, तो वैसा ही मैंने किया। और यहाँ पे मैं आज पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये आई मेकअप ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर मतलब सब पे जाता है, बहुत अच्छा आई मेकअप है ये वाला। आप सिंपल मेकअप पे ये आई मेकअप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैं पिंक कलर लेके, पहले मैं लाइट पिंक ली और बाद में मैं डार्क पिंक ली, तो लेके अच्छी तरह से मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ वो ब्लैक कलर के साथ, जो मैंने ब्लैक कलर पहले लगाया उसको, उसके साथ मैं अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इससे ये जो आई मेकअप है ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर अप्लाई किया और उसके बाद अच्छी तरह से मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, थैंक यू सो मच, और नए और पुराने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच, दिल से बहुत सारा थैंक यू है आप लोगों को। तो आप लोग देख ही सकते हो कि आई मेकअप कितना अच्छा आया। अभी मैं यहाँ पे मस्कारा को अप्लाई कर रही हूँ और आज मैं फॉल्स लैसेस नहीं अप्लाई करूँगी, इसीलिए मस्कारा को अच्छी तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि मस्कारा से ही आपको फेक लैसेस का जो लुक होता है ना वो आता है, अगर आप अच्छी तरह से मस्कारा अप्लाई करो तो। तो इसीलिए आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने जो आई मेकअप किया वो उसका मैं दिखा रही हूँ उसको, तो देखिए कितना अच्छा आया। अभी मेरा फेवरेट पार्ट है जो कि ये है हाइलाइटर, हाइलाइटर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद मैं पहले अप्लाई किया और उसके बाद और एक क्लीन ब्रश से मैं अच्छी तरह से ब्लेंडिंग की, नहीं तो हास लाइन आ जाएगा हाइलाइटर का। और पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद क्लीन ब्रश से अच्छी तरह से उसको ब्लेंडिंग करना होता है। तो ऐसे ही मैंने किया, पहले मैंने हाईलाइट को अप्लाई किया, उसके बाद अच्छी तरह से क्लीन ब्रश से मैंने ब्लेंड किया। तो यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है जो मेकअप लुक। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये मेकअप लुक, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और मैं बताई कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम एक मैं कोर्स फी रखी हूँ, बहुत ही कम है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए जो लोग कोर्सेस करना चाहती है, तो मैं इन डिटेल्स आप लोगों को दे दूँगी। तो देखिए दिस इज़ फाइनल लुक, कैसा आया ये फाइनल लुक आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बोलिएगा कि कैसा लगा। और कोई भी आसपास जो है मेकअप करना चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं हर तरह के की मेकअप करती हूँ, ब्राइडल रिसेप्शन लुक जो भी होता है मेकअप लुक मैं करती हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए कितना प्यारी लग रही थी ये आज, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं रिप्लाई भी करूँगी। ओके, तो नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं करो तो मेरा वीडियो आप लोग नहीं देख पाओगे। जो लोग सिर्फ देखते हो ना आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, लव यू, थैंक यू सो मच।